बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, चेहरा हमारी शख्सियत की आईनादार है। चेहरे को खूबसूरत बनाना हमारा कुदरती हक है। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आपको बताऊंगी कि हम अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और हमारी स्किन जो है वो कितनी इकसाम पर मुश्तमिल है और हर किस्म की स्किन के लिए आपको किस तरह का स्क्रब यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चेहरे के निखार और जिल्द की तरोताजगी के लिए स्क्रब करना वाकई ही जरूरी है। स्क्रबिंग के अमल से जिल्द पर मौजूदा मुर्दा खुलियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है और दुराने खून जो है वो बढ़ता है, गर्दिश करता है, जिसकी वजह से जिल्द जो है वो कुदरती खूबसूरती से खिल उठती है। दोस्तों, फेस स्क्रब को इस्तेमाल करने यानी इसको आपके फेस पर किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहिए, इसका तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप किसी भी किस्म के स्क्रब को अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपनी फिंगर्स के पोरों के साथ उसको चेहरे पर अप्लाई करें और नहायत आहिस्तगी से अप्लाई करें। आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताने के लिए जा रही हूँ कि हम अपनी ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए किस तरह का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल में लाकर हम अपने चेहरे को खूबसूरत और पुरकशिश बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नई अपलोड होने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द और नहायत आसानी के साथ अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो लाजमी कीजिएगा। तो आइए आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो स्किन है वो 3 इकसाम में मुश्तमिल है। नंबर 1 नॉर्मल स्किन एंड नंबर 2 ड्राई स्किन एंड नंबर 3 ऑयली स्किन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरे वो दोस्त जिनकी स्किन नॉर्मल है वो किस तरह का स्क्रब यानी घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत आसानी से हर चीज़ जो है इस स्क्रब में आपके लिए अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए आपको लेना है एक अदद लेमन, उसका आप जूस निकाल लें। एक अदद लेमन लेकर उसका जब आप जूस निकालेंगे तो सेकंड में आपको इसके लिए चाहिए जौ का आटा 1 टीस्पून एंड थर्ड में दूध 1 टीस्पून। इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से आप मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएं। उस पेस्ट को पूरे चेहरे पर अप्लाई करें और अप्लिकेशन के अमल को आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप अपने फेस को हल्के से हाथों के साथ साफ करें और नीम गर्म पानी से फेस पर छींटे मारें। सेकंड में दोस्तों, वो दोस्त मेरे जिनकी स्किन खुश्क है और वो इससे परेशान है, वो भी परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि उनकी ये वाले स्क्रब यूज़ करने के बाद उनकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी, बल्कि नहायत सॉफ्ट और लवली हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है रोगने बादाम जो 1 टीस्पून हो एंड नाइट्रिंग क्रीम 2 टेबल स्पून। इन दोनों अज़ा को मिलाकर आप फेंट कर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। पेस्ट खुश्क होने लगे तो हल्के हाथ के साथ 3 मिनट्स तक उसका मसाज करें। इसके बाद नीम गर्म पानी से उसको धोएं। और थर्ड में मेरे वो दोस्त जिनकी स्किन ऑयली है, जो अपनी ऑयली स्किन से बहुत परेशान है, वो भी इस परेशानी से छुटकारा हासिल करें इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद। सबसे पहले इसके लिए आपको लेना है ईस्ट 1 टेबल स्पून, योगर्ट 2 टेबल स्पून एंड कैरेट ऑफ जूस वो आपको लेना है जी 1 टेबल स्पून एंड इसके बाद आलमंड ऑयल 1 टीस्पून। इन तमाम अज़ा को आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें और अप्लिकेशन का ये जो अमल है इसको 5 मिनट्स तक रहने दें। और इसके बाद नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करें। और मेरे वो दोस्त जिनकी स्किन महासों वाली है यानी उनके चेहरे पे बड़े वाले पिंपल्स एप्लेक्शन में होते हैं, वो प्लीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे इस स्क्रब से उनके चेहरे पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नेक दुआओं के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा
इजाज़त चाहती हूँ नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।